हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कोडिंग डॉट कॉम। आई होप प्रीवियस सारे लेक्चर्स आप सबको समझ आए होंगे और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। सो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा पीएचपी के एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं? प्रॉपर्टी एंड मेथड के मॉडिफायर हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के, विच कंट्रोल वेयर दे कैन बी एक्सेस। उनसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट मॉडिफायर होता है पब्लिक। पब्लिक प्रॉपर्टी और मेथड जो इसमें पब्लिक मॉडिफायर में हो वो कहीं भी एक्सेस की जा सकती है। डिफॉल्ट हम कुछ भी ना लिखे तो वो पब्लिक ही माना जाता है। देन आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड सिर्फ उसी क्लास के और उसी क्लास के डेरिवेटिव से एक्सेस किया जा सकता है। देन आता है प्राइवेट। प्राइवेट प्रॉपर्टी और मेथड कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास, उसके डेरिवेटिव भी एक्सेस नहीं कर पाते। जैसे कि पब्लिक नेम किया, अब हम करते हैं प्रोटेक्टेड टेस्ट। देन मैं करूंगा प्राइवेट डॉलर कलर। तो अब मैं क्या करूंगा कि अब हमने तीन चीजें तो सेट कर दी, पब्लिक नेम, प्रोटेक्टेड कलर एंड प्राइवेट वेट। तो प्राइवेट कलर, तो अब मैं क्या करता हूं कि इसको मैं, ये सेट नेम और गेट नेम तो हमने कर ही रखा है ऑलरेडी। ये भी छोड़ो, ये सेट और गेट भी छोड़ो। मैंगो इज इक्वल टू न्यू फ्रूट लिखते हैं बस। मैंगो नेम मैंगो एंड डॉलर मैंगो टेस्ट स्वीट। देन डॉलर मैंगो कलर इक्वल टू रेड। बताना चाहूंगा यहाँ इक्वल टू करके देंगे हम, बिना इक्वल टू के नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमने ऊपर गेट और सेट नहीं करा। तो कंट्रोल एस से सेव करते हैं, ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हैं एरर कहाँ कहाँ पे आया है। पहले मैं एक एक करके आपको एरर दिखाता हूँ। पहले मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर दूंगा। कंट्रोल एस से सेव, ब्राउजर में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, अभी भी कोई एरर नहीं है। इसको एको भी करके दिखा देता हूं मैं। एको कर देते हैं हम मैंगो। मैंगो को एको करके देखते हैं। मैंगो को एको करके कुछ नहीं आएगा, नेम लिखना पड़ेगा। कंट्रोल एस से ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हैं मैंगो लिखा आ चुका है यहाँ पे। ऐसे ही अब मैं टेस्ट करके देखता हूँ। टेस्ट वाले में एरर आएगा क्योंकि वो प्रोटेक्टेड मेथड है। हम क्लास के देखिए लिखा आ गया कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी। प्रोटेक्टेड से क्या होता है, मैंने आपको बताया था। प्रोटेक्टेड वाली सिर्फ प्रॉपर्टी और मेथड जो इसके आगे प्रोटेक्टेड लिखा है वो विद इन क्लास ही एक्सेस कर सकते हैं हम, और प्राइवेट वाली भी विद इन क्लास ही एक्सेस कर सकते हैं हम। प्राइवेट वाली भी दिखा देता हूँ, उस पर भी यही लिखा आएगा। कंट्रोल एस से देन ब्राउजर में जाके रिफ्रेश। प्राइवेट वाली का आ ही नहीं रहा क्योंकि इससे पहले ही एक एरर आ चुका है। इसको कमेंट आउट करता हूँ मैं, फिर प्राइवेट वाली का एरर देखते हैं हम क्या एरर है। देखिए कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी लिखा आ चुका है, तो प्राइवेट भी हम उसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, डेरिवेटिव भी उसके एक्सेस नहीं कर सकते प्राइवेट को। तो सो क्लास के अंदर हम लिखेंगे तो एक्सेस कर पाएंगे, क्लास के बाहर नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स एक्सप्लेन्ड इन दिस लेक्चर। स्टिल इन केस ऑफ एनी क्वेरी और डाउट यू कैन पुट दैट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।